श्री हुकुमदेव नारायण यादव। सभापति महोदय, कभी समय था जब इंदर सिंह नामधारी झारखंड बिहार के संयुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वह बट गया हो भले ही, लेकिन आज भी जिसके हृदय में बिहार की मिट्टी से ममता है, वो कभी झारखंड और बिहार को अलग की दृष्टि से नहीं देखते। हम मानते हैं कि झारखंड हमसे अलग हुआ है, तो वह मेरा छोटा भाई है, इसलिए हम जब कभी सोचेंगे तो हम सोचेंगे बड़े भाई की थाली में अगर एक रोटी आए तो छोटे भाई के थाली में भी एक रोटी अवश्य आए। इसलिए जब हम कभी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं तो केवल बिहार के लिए नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण भारत में जो आर्थिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर पिछड़ा हुआ है भारत का कोई भी इलाका, तो सभी इलाकों को विशेष दर्जा देके समग्र क्या कहते हैं सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसको कहते हैं विशेष दर्जा। जैसे आरक्षण हमने दिया था तो पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति को हमने आरक्षण क्यों दिया, इसलिए कि वह कमजोर हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, इसलिए उनको विशेष भोजन देंगे तब वो सबल बनेंगे, सशक्त बनेंगे, तब समाज के बराबरी में आ सकेंगे। इसीलिए जो भी बिहार हिंदुस्तान का वही इलाका पिछड़ा हुआ है वो समुन्नत बने, सशक्त बने, तभी भारत सशक्त बन सकता है। और जो 2021 या कब की भारत की कल्पना करते हैं, जब संपूर्ण भारत सशक्त होगा तभी विश्व में भारत सशक्त हो सकता है। अगर एक अंग बहुत ही बलशाली हो और दूसरे अंग में लकवा मारे हुआ हो तो कभी वह लकवा मार शरीर लेकर के युद्ध भूमि में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुतुल जी अतीत के इतिहास को कह रहे थे, हमारा इतिहास अतीत बड़ा ही उज्ज्वल था, और इतना उज्ज्वल था कि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने अद्वैतवाद के विषय विजय का पताका फहराते हुए गए तो मिथिलांचल के मंडन मिश्र के दरवाजे पर पहुंचे और हुआ कि दोनों बराबर के विद्वान हैं, जब हम शास्त्रार्थ करेंगे तो बीच में पंचकोण बने, तो स्वयं शंकराचार्य ने कहा कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती पंच बनेगी, हम शास्त्रार्थ करेंगे। जहां हमारी भारती मंडन मिश्र की पत्नी ने निर्णय दिया था कि इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी विजयी हुए और मंडन मिश्र जी मेरे पति पराजित हुए, तब शंकराचार्य ने कहा कि मेरा मत मान लो। भारती ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, पंच के हैसियत से निर्णय दिया हूँ, लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते हमारे पति को अपराजित किए हैं, जब मुझे पराजित कर देंगे तब आप विजेता होंगे, इसलिए अब हमारा आपका शास्त्रार्थ हो जाए। कितनी दूरी तक हमारा अतीत उज्ज्वल था, जब सुगा भी संस्कृत का श्लोक और वेद का मंत्र पढ़ता था क्या कहते हैं मंडन मिश्र के दरवाजे पर, लेकिन दादा को हाथी था, लेकिन आज हम उस हाथी का सिक्कर लेके घूम रहे हैं कि मेरे दादा को हाथी था, कौन मानेगा साहब। आज तो हम दिल्ली में, बम्बे में, बड़े शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, मोतियागिरी का काम कर रहे हैं, फुटपाथ के नीचे सो रहे हैं, रात में जाड़े में ठिठुर रहे हैं, भूखे पेट हैं, लेकिन फिर भी हमारा अतीत पहले का उज्ज्वल था। लेकिन मेरा राजनीतिक अतीत बहुत ही धुंधला हो गया था। क्यों इसलिए धुंधला हुआ कि बिहार में जातिवाद के रोग ने बिहार को ऐसा ग्रसित किया कि बिहार के लोग केवल कुर्सी पर अगर उनकी जाति वाले पटना में बैठ गए तो उनकी मूर्ति को वो रात दिन भजन करते थे, तेरी मूर्ति को नहलाएंगे, तुझे ही खूब खिलाएंगे, तेरे बच्चे बढ़ते जाएंगे, अब मेरे बच्चे के लाश पर चढ़ के तुम राज करते चले जाना। ये जो जाति के सरांध से बिहार ग्रसित हुआ, आज सौभाग्य है कि बिहार का कायाकल्प हो रहा है, अब बिहार उस जातीयता के दलदल से निकल के एक नए बिहार की का निर्माण कर रहा है। हम समग्र समाज को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी आवश्यकता बढ़ी, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पुतुल जी कह रही थी, वो नदियाँ अगर अभिशाप है बाढ़ के कारण, आप हमको सड़क बनवा देते हैं, आप तो खूब घूमे हुए हैं, आपको देखा हुआ है वो बिहार,
चप्पे चप्पे में घूमते थे, उस समय जब हम बना देते हैं सड़कें, बड़ी अच्छी बनती है, चमचम सड़कें बनती हैं, उस पर गाड़ी फिसलती है, एक बार नेपाल में वर्षा होता है, बाढ़ ऊपर से आती है, सारी सड़कें बह जाती है, मेरा तो सारा सारा सब कुछ बह जाता है। आप तो आशु कवि लगते हैं। घर भी बह जाता है, छप्पर भी बह जाता है, और तन के कपड़े भी बह जाते हैं, और एक घर के अंदर चौकी पर चौकी रख देते हैं, और उसी पर हमारे बच्चे और हम रात गुजारते हैं, दो दो तीन तीन महीना। तो आखिर उस बाढ़ के कारण जो हम बर्बाद हो रहे हैं, किसी राज्य सरकार की क्षमता है जो उस बाढ़ को रोक दे? वो बाढ़ रुकेगा कब? जब भारत नेपाल का समझौता होगा तब। जब कोसी में, नूनथर में, सीसा पानी में, बड़ा क्षेत्र में जब डैम बनेगा और पानी को रोका जाएगा, तब बिहार का कायाकल्प होगा, और बिहार की सभी नदियों को जोड़ देगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि पूरब से पश्चिम तक सारी नदियों को जोड़ दो। तो हमारी नदियों में जब बाढ़ आती है तो कुछ नदियों में बाढ़ आती हैं, कुछ नदियां सूखी रहती हैं, जब गंगा नीचे रहती तो कोसी ऊपर है, जब कोसी में उफान है तो गंगा नीचे आती है। अगर सारी नदियों को जोड़ देंगे तो विज्ञान कहता है कि वाटर सिक्स इट्स ओन लेवल सिक्स इट जी, वो आप शुद्ध कर दीजिए। आप उसको शुद्ध कर दीजिए, बहुत धन्यवाद। तो पांच, वो जल अपने स्तर को सामान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे यहाँ बाढ़ रुक जाएगी, सड़कें नहीं टूटेगी, खेती नहीं बर्बाद होगी। पुतुल जी को आपने ठीक ही नहीं कहा, ठीक ही कहा, पंजाब में कोई नीचे धरती वाले खान खदान नहीं है, माइंस मिनरल्स नहीं है, हरियाणा में नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा अपने कृषि के बल पर आज भारत का सबसे एक नंबर दो नंबर के राज्य में आता है, हर क्षेत्र में मुकाबला करता है। क्यों? उसका रहस्य है कि पंजाब के पास में अगर भाखड़ा नंगल नहीं होता, भाखड़ा नंगल के कारण उनके बिजली नहीं होती, भाखड़ा नंगल के कारण उनके खेतों में नहरों से पानी नहीं जाता। आज अगर एक भाखड़ा नंगल पंजाब में है और उसी तरह भाखड़ा नंगल मुझे बिहार में दे दो, तो मैं आधे हिंदुस्तान को खिला सकता हूं, इतना मुझ में पुरुषार्थ है, इतनी धरती में मुझे उर्वरा शक्ति है, इतना हम करके दिखा सकते हैं। हम अपने हाथ से पंजाब की खेती में हरियाली ला सकते हैं, हरियाणा की खेती में हरियाली ला सकते हैं। बम्बई हो, दिल्ली हो, गगनचुंबी अट्टालिका है, उसमें रहने वाले लोग आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और उस ब्रह्मलोक को निर्माण करने वाले हम बिहारी उसकी छाया में ही सो जाते हैं और अपनी रात गमाते हैं, और फिर भी कभी कभी किसी प्रदेश के लोग उठते हैं और हम पर जूते लात चलाते हैं कि बिहारी सभी बाहर के लोग आओ, पसीना हम बहाते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, तेरे बच्चे को खुशहाल बनाते हैं, हम ठेला ठेलते हैं और तुम हवा गाड़ी पर चलते हो, और फिर भी हमें कहते हो बाहर जाओ। लेकिन एक बात याद रखे दुनिया, भारत के लोक सभापति जी, जिस दिन सारे हिंदुस्तान के बड़े महानगरों से बिहारी जिस दिन अपना बोरिया बस्तर बांध के अपने बिहार में चला जाएगा, उस दिन ये महानगरों की सारी रौनक खत्म हो जाएगी, इनकी सुंदरता मिट जाएगी और हमारा बिहार सुंदर हो जाएगा। अभी बिहार की सरकार इस दिशा में काम कर रही है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप ठहर जाइए, आप बैठ जाइए, मैं हाउस से अनुमति लेना चाहता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, द एक्सटेंडेड टाइम फॉर दिस डिस्कशन ऑन दिस रेजोल्यूशन इज ओवर। आई हैव ए लिस्ट ऑफ सिक्स मोर स्पीकर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस रेजोल्यूशन। इफ द हाउस एग्रीज, द टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन दिस रेजोल्यूशन मे बी एक्सटेंडेड बाई 1 आवर। कंटिन्यू। मैं उन सभी सदन के माननीय सदस्यों के प्रति बिहार के गांव गरीब किसान के तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार जब बोल रहे थे तो उधर से वो चौधरी, उन्होंने अधीर चौधरी जी ने संविधान पर कहा था, जब सदन के सभी दलों के लोग उठते हैं और बिहार के इस विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं, तो मैं संपूर्ण सदन के सदस्यों के प्रति बिहार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। छोड़िए ना, ये प्राइवेट डिस्कशन है, संजय निरुपम हमारे साथ हैं, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, वो भी हमारे यहां से गए हुए हैं। सभापति महोदय, ये हमारा गर्व है,
कि संजय रूपम हमारे कोख से पैदा लेते हैं लेकिन महाराष्ट्र के बम्बे में जाकर नेता बनते हैं, तो हमारे कोख की कम कीमत है क्या? इसलिए मुंबई में इसलिए मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा था, ज्यादा समय न लूंगा, कि जो क्षेत्रीय विषमता है उसके अंत के लिए व्यापक योजना बनाइए। बंजर, पथरीली, कंकरीली, जंगली जमीन है, वहां उद्योग लगाइए। ये दिल्ली NCR बनाते हैं, चारों तरफ लोगों को उजाड़ते हैं और यहाँ आके गगनचुंबी अट्टालिका बसाते हैं। अगर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, अगर उन असम में, अगर उन बंजर पथरीली जगहों पर कारखाना उद्योग लगे तो सड़कें बनेगी, बिजली जाएगी, स्कूल बनेंगे, वहाँ अस्पताल खुलेंगे। सिब्बल जी कह रहे थे पिछड़ी एरिया में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कल कह रहे थे बना देंगे तो वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो, इस हिंदुस्तान को आपने बनाया है गरीबी के महासागर में, अमीरी के कुछ टापू बनाए हो, उसमें वैभव के सुख सागर लगाए हो, उसमें कुछ लोगों को नहलाते हो। अगर उस बंजर पथरीली कंकरीली पिछड़े इलाके में उद्योग लगेंगे तो उनके लिए सड़कें बनेगी, वहाँ बिजली जाएगी, वहाँ वाटर सप्लाई जाएगा, वहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर बनेंगे, वहाँ रहने के जाएंगे तो वो स्कूल बनेंगे। जहाँ सेंट्रल सर्विसेज के लोग जाते हैं वहाँ सेंट्रल स्कूल भी बनाते हो आप, तो अगर उस जगह अगर सेंट्रल कारखाना खुलेंगे, केंद्रीय कारखाना खुलेंगे तो वहाँ सेंट्रल स्कूल बनेगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो। इसलिए कि हिंदुस्तान के बड़े लोग हमारे यहाँ से उद्योग लगाओगे, पैसा कमाओगे, हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, हेडक्वार्टर है बम्बे में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, पैसा कमाओ हम, मेहनत करें हम, पसीना बहावे हम, रुपया लगावे हम, लेकिन हमारा हेडक्वार्टर क्यों रहेगा बाहर? हमारा हेडक्वार्टर हमारे यहाँ, छोड़ दो भैया। प्लीज, क्यों किस कारण आ गए मुंबई? प्लीज, भावना जी, अरे मुंबई कह रहा हूँ, अब खुश हुए? हुकुमदेव जी, तीन शिव सैनिक बैठे हुए हैं आपके बगल में, उन्होंने शुद्ध कर दिया ना, नहीं ठीक है, देखिए अब आप बैठ जाइए। अब बैठता हूँ सभापति जी, मैं इसलिए कि जब मैं जन्म लिया था, जवान हुआ, बढ़ा, तब बम्बई कहते थे, अब कहा जा रहा मुंबई, तो बूढ़ा सूगा क्या पढ़ेगा, जो जवानी में जीव पर रटा गया सो रटा रहा है, माफ करना भाई, अब मुंबई कहता हूँ। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, उन बड़े हेडक्वार्टरों को हमारे यहाँ लाओ, मुख्यालय बिहार में लाओ, हमारा सब कुछ है, हमारा बनेगा। और पवार जी हैं, अगर ये चाहें तो बिहार का कायाकल्प कर सकते, इसलिए कि हम किसान हैं, खेती है, नदी है, पानी है, और 20 फीट पर नीचे भी पानी है। अगर हमारे यहाँ सिंचाई का प्रबंध हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, तो हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम नए बिहार का निर्माण कर लेंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए अरबों अरब रुपया, टकसाल तो हमारे पास है नहीं। अगर केंद्र सरकार पावर दे दे कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी एक टकसाल लगा के रुपया छाप सकते हैं, रिजर्व बैंक हमको पावर दे दे, तो हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, एगो टकसाल का पावर दे दीजिए, हम पटना में टकसाल लगा लेंगे, अपने से नोट छापेंगे, अपने विकास हुकुम देव जी, लेकिन टकसाल है आपके हाथ में, इसलिए हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जब तक राज्य की सरकारें और इस देश के गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, जब तक किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तब तक कायाकल्प नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, या तो हमारा हिस्सा दो, हमें अधिकार दो, हमें अपने निर्माण करने के लिए अवसर दो, अगर नहीं अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह की ज्वाला फूटती है, तब लोग नारा लगाते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बैठ जाइए, ऐसा अवसर न आवे, की बात मानी है, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुम देव जी।